कौन है पंडित मोहित पांडे जिन्हें 3000 लोगों की कठिन परीक्षा में मिला अव्वल दर्जा? क्या ये 22 वर्षीय युवक संभाल पाएगा अयोध्या राम मंदिर के एक मुख्य पुजारी की भूमिका? दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है। एक तरफ पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन जैसे सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले एक साल से राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी पद की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीब 3000 पंडित रामलला की भव्य मंदिर की पुजारी के पद की कठिन परीक्षा और इंटरव्यू दे चुके हैं। इसी बीच ये खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे का अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चयन कर लिया गया है। तो आखिर कौन है मोहित पांडे जो बनेंगे आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी, और इनमें क्या खूबियां हैं कि ये 3000 विद्वानों के सामने बने अयोध्या राम मंदिर का मुख्य पुजारी? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में राम जी की नियमित रूप से सेवा करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी पिछले 31 सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा से निभाते रहे। इन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला की सेवा में अर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में जन्मे सत्येंद्र दास को बचपन से ही राम जी से काफ़ी लगाव था। सन 1858 में वो हमेशा के लिए अयोध्या आ गए। इसके बाद 90 के दशक में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी साल 1992 में आचार्य सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि में पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक आचार्य अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आए हैं, और नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास ही प्रधान पुजारी के रूप में रामलला की सेवा करें। मगर अब आचार्य जी की उम्र 85 साल की हो चली है, इस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी, ताकि रिटायर होने से पहले कोई नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़े सभी नियम और प्रणालियां सिखा सकें। इसीलिए 2023 के मध्य में उत्तर प्रदेश की सरकार ने राम मंदिर के पुजारी की भूमिका की कड़ी नियुक्ति प्रक्रिया को शुरुआत की थी, जिसमें भाग लेने वाले 3000 पंडितों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ है। लेकिन ये कठिन भर्ती प्रक्रिया हुई कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, श्री राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट में अक्टूबर के महीने में मंदिर के पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें बताई गई कुल शर्त ये थी, उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य है, आवेदक श्री राम नंदनीय सेवा से युक्त यानी दीक्षा से युक्त होना चाहिए। इस प्रक्रिया में करीब 3000 पंडितों ने आवेदन दिया था, जिनमें से योग्यता के आधारों पर 200 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया, जिनमें मोहित पांडे का नाम भी शामिल था। आपको बता दें कि इंटरव्यू पास करना बहुत कठिन था। इनकी परीक्षा लेने के लिए वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्रा और अयोध्या के दो महंत मिथिलेश नंदनी शरणम और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा की तकनीकों तक हिंदू धर्म से जुड़े हर विषय में संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे में चुने गए सभी 200 पंडित अपनी तैयारी में जुट गए, और इंटरव्यू की तिथि नज़दीक आते ही वे अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू पार्षद के मुख्यालय
का सेवक पुरम में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चले इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की पैनल ने उम्मीदवारों से कौन कौन से सवाल किए होंगे, तो आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान रामलला की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल पूछे गए, जैसे कि राम नंदीय परंपरा क्या है, संध्या वंदन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या है, इसके लिए कर्म कांड क्या है और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र है। अब ये सवाल इतने ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफी बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए योग्य पंडितों को इंटरव्यू के दौरान उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही रखा जा सकता है। आसान शब्द में ये परीक्षा एक तरह से पंडिताई का UPSC थी, जिसमें पैनल ने लिस्ट बनाई जिसमें 200 में से अब 21 पुजारियों का चयन किया गया, जिनमें से मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारियों के रूप में चुने गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित नाम है मोहित पांडे, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने मुख्य पुजारी बनने की रेस में बड़े बड़े विद्वान पंडितों को हरा दिया। आचार्य सत्येंद्र दास को मोहित पांडे काफी पसंद आए हैं, लेकिन इनमें ऐसी तो क्या खूबियां हैं जो इनको खास बनाती हैं? इसे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने बताया कि मोहित पांडे सीतापुर के रहने वाले हैं और जहां 10 वर्ष के ज्यादातर बच्चे खेलते घूमते हैं, वहीं इस उम्र से ही मोहित रामायण महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिए थे। इन्होंने दुग्धेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ से अपनी सामवेशिक ग्रहण किए हैं। इसके बाद वो आचार्य की पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए थे। जी हाँ, इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित पांडे ने पंडिताई में PhD की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देख उन्होंने तुरंत आवेदन दे दिया और अपने ज्ञान और अनुशासन के बल पर मोहित पांडे ने इस परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किए। बताया जा रहा है कि मोहित प्रातः काल में उठ जाते हैं और नहा धोकर मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और उन्हें वेदों और पुराणों के बारे में जानना पसंद है। बहुत बार वो कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर पढ़ते रहते हैं। वो सादगी भरा जीवन जीते हैं, सादा भोजन खाते हैं, सादा वस्त्र पहनते हैं, हमेशा सर पर टीका लगाते हैं और रोजाना ध्यान करते हैं और वो इस दुनिया की मोहमाया से दूर हैं। उनके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है और उन्हें राम नंदी पूजा पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी है। यही कारण है कि राम मंदिर में पुजारी के रूप में उनका चयन किया गया है। इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर में चुने गए अन्य 20 पुजारियों के साथ मोहित भी 6 माह की ट्रेनिंग पर गए हैं, जहां उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही रामलला की पूजा करने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग से वापस आए सभी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निगरानी में मंदिर में पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे। अगर ये अपनी इस ट्रेनिंग में पास होते हैं तब इन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हालांकि मोहित पांडे को कुछ लोग अभी से ही राम मंदिर का पुजारी मान लिया था, मगर इसी बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इन खबरों को गलत बताया है और कहा है कि कृपया भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। वहीं इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ही हैं और कोई नया पुजारी नहीं चुना गया है। इंटरव्यू के बाद 21 लोगों का चयन किया गया है, लेकिन उन्हें अभी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी है। इसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
अभी सत्येंद्र दास ही मुख्य पुजारी की भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय पुजारी के रूप में सत्येंद्र दास जी ही रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री